Hello student, today we are going to discuss about black body radiation. I am Dr. Deepshikha Acharya from Sagar Group of Institutions. What is a black body radiation? Isko samajhne se pehle, first of all we would like to explain your word well to understand what is a black body. A black body is an ideal body which allows all of the incident radiation which is fall on it to pass into itself and absorb within itself. वो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ भी रेडिएट नहीं करती, जिसके कारण बाहर से देखने पर ये बॉडी ब्लैक दिखाई देती है. बट ये जो कंडीशन है एक समटन टाइम लिमिट तक ही रहती है, क्योंकि सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के कारण इस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. एंड व्हेन दिस बॉडी बिकम हॉटर, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इट स्टार्ट एमिटिंग रेडिएशन एट मैक्सिमम पॉसिबल मोनोक्रोमेटिक इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑल ऑफ ऑल वेवलेंथ. अब होता क्या है कि जब ये रेडिएशन एमिट करती है तो एक वेवलेंथ स्पेक्ट्रम डेवलप होता है, जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और बॉडी के टाइप पर डिपेंड नहीं करता. बट एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है, वो ये है कि कोई भी बॉडी परफेक्ट आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होती. मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं वो बेसिकली ग्रे बॉडीज़ कहलाती हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. 99.95% रेडिएशन तक बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है. दीज ऑल बॉडीज़ आर कॉल्ड ग्रे बॉडीज़, दे आर नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडीज़. तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक कंडीशन मानते हैं और हम लेके चलते हैं कि एक मेटेलिक स्फेयर हमने लिया. उस मेटेलिक स्फेयर में वी विल ड्रिल अ होल ऑन इट एंड वी स्टार्ट इंसिडेंट रेडिएशन थ्रू दिस होल इनटू दिस स्फेयर. देन दिस स्फेयर इज एब्जॉर्ब ऑल ऑफ द रेडिएशन. हाउ? जी, अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन जो है वो मेटेलिक बॉल पर, मेटेलिक स्फेयर की वॉल्स पर टकराते हैं और वॉल्स के थ्रू जब तक टकराते रहते हैं तब तक कि अपनी सारी एनर्जी वॉल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर देते. तो ऑटोमेटिकली दिस मेटेलिक बॉल और मेटेलिक स्फेयर बिकम हॉटर एंड व्हेन इट गेन सर्टेन टेम्परेचर स्टार्ट रेडिएट. दिस रेडिएशन जो रेडिएट हो रहा है ये एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है, जिसको हम ब्लैक बॉडी एक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. इस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पे आप देखते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ग्राफ आ रहा है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर रेडिएटेड एनर्जी की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस. और ये जो कम्प्लीट प्रोसेस है मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बॉडी पर, यानी कि उस बॉडी के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, कम्प्लीटली डिपेंड करती है अपॉन द टेम्परेचर. बॉडी कितने टेम्परेचर तक गर्म हुई है जब वो रेडिएशन स्टार्ट कर रही थी. सो दिस इज़ कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम. अब इस स्पेक्ट्रम को प्रैक्टिकली तो हम समझ सकते हैं, देखकर इसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं. बट हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस, व्हाई दिस इज़ हैपन. सो इसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि उस समय अवेलेबल थी उसके आधार पर कुछ कंसिडरेशन करते हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कैलकुलेशंस और रिजल्ट या असम्पशंस दिए, जो कि इसको एक्सप्लेन करने के बहुत नज़दीक आए, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ प्रोड्यूस नहीं हो पाया जो कि इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सके. इसीलिए इन सबको फेलियर्स के फॉर्म में जस्टिफाई या रेक्टिफाई किया जाता है. सबसे पहला अटेम्प्ट किया स्टीफन बोल्ट्जमैन ने. स्टीफन बोल्ट्जमैन के लॉ के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी डेंसिटी है वो टेम्परेचर की टू द पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एनर्जी डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है. ये एक हद तक सही है, लेकिन आप इस स्पेक्ट्रम को अगर अच्छे तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमेशा सही नहीं हो सकता. सिमिलरली एक सेकेंड कंडीशन वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और वेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के आधार पर वेन ने प्रोड्यूस की. वेन ने कहा कि टेम्परेचर जो है वो सीधे सीधे वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. टेम्परेचर और वेवलेंथ दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट के टर्म्स में आता है. बट ये भी कंडीशन जो है वो आधे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है. वन साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकती है, अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो कंडीशन थी वो फेल हो गई. उसके बाद एक और अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी को आधार बनाकर, इसी को मॉडिफाई करते हुए मैक्स प्लैंक ने प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस दी थी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाती है. रेले जीत का लॉ जो है वो एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में आता है. उन्होंने एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक लॉ प्रोड्यूस किया था, जिसके आधार पर भी उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को
कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होती है और उनके जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है उनकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला u(8π(c³)KT(dV) था, लेकिन ये जो टर्म्स निकल के आई थी एनर्जी डेंसिटी के, इसके आधार पर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ग्राफ यहाँ पर शो कर रहा है, रिलेथ ने ये बताया कि जैसे जैसे वेवलेंथ घटता जाएगा एनर्जी इन्फाइनाइट की ओर बढ़ती चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है। आधा ग्राफ इस तरह से बिहेव कर रहा है तो आधा ग्राफ इस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। कंप्लीट ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए कंडीशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये केवल ये बता रही थी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन की तरफ जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए इसे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ भी कहा जाता है। बट दिस इज़ अ फेलियर, अ एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। इस कैलकुलेशन में एक मूलभूत खामी वो ये थी कि सभी साइंटिस्ट ने क्लासिकल अप्रोच के थ्रू माना कि निकलने वाली एनर्जी कंटिन्यूस है, मगर प्लैंक ने 1900 में ये पाया कि निकलने वाली एनर्जी कंटिन्यूस नहीं बल्कि पैकेट्स के फॉर्म में थी। उन्होंने एक हाइपोथेसिस जनरेट की, उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूस नहीं हुए बल्कि पैकेट्स के फॉर्म में है। इन पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा कहा, जिसके आधार पर एक नए साइंस का जन्म हुआ जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स आज की डेट में कहते हैं। और इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्लैंक ने रेडिएशन लॉ प्रोड्यूस किया, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।